অনেক অনেক ধন্যবাদ। উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীদেরকে আমাদের গাওতার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ওনারা যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন ওনাদের আরো একবার অন্তরের দিক থেকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় লোবন হাসদা মহাশয়ের যে বক্তব্য শুনলাম, আদিবাসীদের রক্ত গরম করে দেওয়ার বক্তব্য, আমরা এই মঞ্চ থেকে আরো আমাদের যে অতিথিবর্গ আছে ওনাদের বক্তব্য শুনব। সানাম হরটেন লেই হইয়োক মানতর নেওতা পেটা কাতে লুতুর বীর কাতে বন আজম্মা মনে অন্তর তেবন বুঝমা আর উঙ্কুয়া লেই ডাহার সে উডু ডাহার তেবন তারাম্মা। আজকে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার প্রতিনিধি দল, ওনাদের পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী গাঁওতার পক্ষ থেকে তথা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী গাঁওতার পক্ষ থেকে অনেক অনেক আন্তরিক অভিনন্দন স্বাগত। ওনাদের বিশেষ প্রতিনিধি দল 20 জনের প্রতিনিধি দল আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের বিশ্ব আদিবাসী দিবসের যে প্রোগ্রাম তাকে সমর্থন জানাতে আমরা ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও আমরা কথা দিচ্ছি ওনাদের বিভিন্ন আন্দোলনে আমাদেরও নৈতিক সমর্থন থাকবে। এর পরবর্তী বক্তা হিসেবে তেজবীর সিং মহাশয়কে, বিশিষ্ট কৃষক নেতা হরিয়ানা স্যার তেজবীর সিং মাইকের সামনে এসে দু চার কথা বলেন। জয় বঙ্গাল। সবসে পহলে আপ সবকো হিন্দি সমঝ মে আতি হ্যায় না? খুব। সবসে পহলে আপকো আজ কে আদি দিবস আদিবাসী দিবস কি বহুত বহুত বধাই। ওর আজ হম উন শহীদো কো ইয়াদ করতে হ্যায় জিনোনে অঙ্গ্রেজোঁ কে খিলাফ লড়াই লড়ি, তো উনকো নমন করতে হুয়ে বিরসা মুন্ডা অমর রহে, বিরসা মুন্ডা, সিধু কানু, সিধু কানু। হম দিল্লি সে অলগ অলগ বর্ডার কে উপর किसान की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई, क्योंकि जब अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आपको एकत्रित करके एक जंग का आगाज किया था और उस जंग का आगाज के बाद पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ था, उसी तरह से आपने बंगाल के अंदर इस तानाशाह सरकार को हराकर वो आगाज को आवाज दी है। लेकिन आपको ये समझना होगा, मेरे नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, आज से 400 साल पहले हम सब लोग वनवासी आदिवासी हुआ करते थे। शुरू हुआ ग्राम के बाद कस्बे बने और कस्बों के बाद नगर बना, तो उसके बाद वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी शब्द दिया गया। आप सबको बताना है, यहां पर सरकार के विधायक बैठे हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि जंगल हमारा, नदी हमारी, पानी हमारा, धरती हमारी, अनाज उगाएं हम, पैदा करें हम, धरती पर बैल से खेती करें हम, और अनाज हमारा चोरों के हाथों में जाए, ऐसा नहीं होगा। हम मांगते क्या है सरकार से? पहली बात तो ये कि हम कुछ भी मांग नहीं रहे, ये बात
आपने ध्यान में रखनी है। सरकार ने ये तय किया है, आप यहाँ पर आदिवासी बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हम पिछले 3 दिनों से यहाँ आए हैं। शाह सरकार मोदी तोरा बाराबाड़ी चौलवेना चौलवेना, ये मोदी की जो तानाशाही है वो बंगाल में चली नहीं, ये धर्म के नाम पर लड़ाने की जो कोशिश की वो यहाँ चली नहीं। लेकिन आपका धर्म और फर्ज बनता है कि आप अपने आदिवासी भाइयों को, किसान भाइयों को, उनकी फसलों का पूरा मूल्य दिलवाएं जो सेंटर सरकार, जो केंद्र की सरकार निर्धारित करती है। सरकार क्या बोलती है कि आपका धान समर्थन मूल्य पर हम खरीदेंगे, पर यहाँ पर खरीद नहीं होती। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर आप मंडीकरण करें, कि आपकी फसल मंडी में बिके, आपको धान का पूरा रेट मिले, आपको आलू का पूरा रेट मिले, आपको आपकी जमीनों का अधिकार मिले जो आपकी है, और जिन पर आपने हजारों सालों से खेती कर उसको बचा कर रखा। लेकिन क्या हो रहा है कि आपके जमीन के ऊपर पहले अंग्रेजों ने राज किया, आज चंद कॉरपोरेट जो बड़े व्यापारी हैं उनकी नजर है, ये आपसे हथियाना चाहते हैं, और इनको बता देना है कि अगर किसान हल चलाना जानता है तो तीर जानता है। लेकिन नौजवान भाइयों से अपील करूंगा जो पढ़े लिखे हैं कि अब लड़ाई सीधी नहीं लड़ी जाती, अब लड़ाई के लिए हथियार है, ये हथियार है, आपने हर रोज मांग उठानी है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी बंगाल में हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदिवासी हैं, गुजरात से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, इंग्लैंड, नागालैंड तक आदिवासी हैं, और वो सब लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको भी आवाज बुलंद करनी होगी, अपने मोबाइल फोन से हर रोज खबर डालें कि हमारे धान की खरीद नहीं हुई, आग लग गई तेल के अंदर, के तेल 100 रुपए लीटर हो गया, जो कहता था एक बार मौका दो फिर चौराहे पर बुला लेना, आज 8 महीने से चौराहे पे बुला रहे हैं, झोला उठाकर कहां गया मालूम नहीं, पता नहीं लग रहा उसका, वो झोला उठाने वाला। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को अपना हक खुद मांगना होगा, आपको लड़ाई खुद लड़नी होगी, हम आपके साथ जब बुलाओगे तब खड़े होंगे, लेकिन उठना और जागना आपको पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे वक्ता बहुत है, मेरे साथी हैं, बहुत सुलझवान हैं, जो सबके अपने अपने विचार हैं उन्होंने रखने हैं। यहाँ पर सरकार के विधायक नुमाइंदे बैठे हैं, हमारी एक ही मांग है, हमने यहाँ पर देखी है कि सरकार जो हमारी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, एक वो, और दूसरा जो आपकी जमीन है जिस पर आपका अधिकार है, आपका हक है, वो आपको दी जाए। हमारी आपके साथ ऐसा ही साथ बना रहेगा, और हम एक होकर उठेंगे, एक आवाज बनाएंगे, तो दिल्ली का तख्त वहां पर हिलेगा जरूर। मैं आप सबको आज इस अवसर पर विदाई एक बार फिर देता हूं, और उम्मीद इस बात की करता हूं कि आप सब एकजुट होकर जैसे आदिवासी दिवस मनाते हैं, आप अपने किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए, अपनी फसलों के लिए, अपनी जमीनों के लिए भी आप उठ खड़े होंगे,
और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने कोशिश करनी है कि आपने दिल्ली के अंदर पहुंचकर इस किसान आंदोलन को मजबूती दें। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। जय जवान, जय जवान, जय जोहार, धन्यवाद।